प्रदेश के रतलाम जावरा विधानसभा क्षेत्र से आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन के ही जनसंपर्क किया। इतना ही नहीं, बिना परमिशन के बीजेपी के स्टिकर दुकानों में लगाए गए, हाथों में कमल के फूल के झंडे और सर पे कमल के फूल की टोपी, साथ में ढोल धमाकों के साथ दुकान और घरों में जाकर जनसंपर्क किया, साथ में बीजेपी के लिए वोट मांग। जबकि आचार संहिता के लगते ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी वाहन के नंबर प्लेट पर किसी तरह का पार्टी पद नाम नहीं लिखा होना चाहिए या किसी पार्टी का चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक ऑफलाइन एक आवेदन दिया है, जबकि हमने उनको बोला है कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए। हमने ऑनलाइन आवेदन की प्रारूप भी हमने फोटो कापी करके उनको दे दिए हैं। हमने अभी तक इस तरह की कोई अनुमति जारी नहीं की। अगर बिना अनुमति के उन्होंने कोई कार्रवाई कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक फोर व्हीलर गाड़ी भी है जिसके ऊपर आगे कुछ भाजपा मंत्री या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या मोटर बिल्कुल अलाउड नहीं है? वो किसी भी गाड़ी पर एमबी एक्ट का उल्लंघन है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। आपको बता दें, कल ही 6 अक्टूबर को दिन में आचरण संहिता मध्य प्रदेश में लग गई और रतलाम जावरा के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी का प्रचार प्रसार करने की इतनी जल्दी है कि बिना परमिशन के ही मार्केट में झंडे बैनर पार्टी के स्ट्रिंग लेकर निकल पड़े। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।